हेलो फ्रेंड्स, पारस जी कमेंट में लिखते हैं, प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड वाटर टैंक वर्सेस वेक्टर स्कूल वाटर टैंक दोनों में से कौन सा अच्छा है। तो आज का यह वीडियो प्लास्टो गोल्ड 6 लेयर वाटर टैंक वर्सेस वेक्टर स्कूल वाटर टैंक होने वाला है। दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों में क्या क्या फीचर्स है और दोनों में कितना प्राइस का डिफरेंस है वो भी देखेंगे। और वीडियो के आखिर में यह भी जानेंगे कि हमें अपने घर के लिए प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड वाटर टैंक और वेक्टर स्कूल वाटर टैंक दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोग दोनों ही टैंक में डिफरेंस समझते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस कौन कौन से चीजों का है। तो पहला डिफरेंस इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखते हैं। तो प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड वाटर टैंक ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस से बना हुआ 6 लेयर का वाटर टैंक है। वही वेक्टर स्कूल वाटर टैंक रोटो मोल्डिंग प्रोसेस से बना हुआ 4 लेयर का वाटर टैंक है। दूसरा डिफरेंस हम लोग इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर देखेंगे। बात करें सबसे पहले प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड वाटर टैंक की फ्लेक्सिबिलिटी की, तो प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड वाटर टैंक ब्लो टैंक और HDPE मटेरियल से मिलकर बना हुआ होने के कारण यह काफी फ्लेक्सिबल टैंक है। हमने कई जगह इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट भी किया है और पाया है कि अगर आपने कहीं इसको छत से प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड वाटर टैंक को पूरा पानी भर के छत से भी कहीं फेंक देते हैं तो वह फटता नहीं है, क्योंकि ब्लो टैंक होने के कारण यह काफी फ्लेक्सिबल है। वहीं वेक्टर स्कूल वाटर टैंक की फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो वेक्टर स्कूल वाटर टैंक रोटो टैंक है और LLDPE मटेरियल से बना हुआ होता है, जिसके कारण वेक्टर स्कूल वाटर टैंक थोड़ा सा रिजिड टाइप का होता है, यानी सख्त टाइप का होता है। तो अगर कहीं आप वेक्टर स्कूल वाटर टैंक को छत से फेंकते हैं पानी भर के तो वह फट सकता है, क्योंकि इसकी रिजिड प्रवृत्ति होती है, यानी कि यह थोड़ा सा टाइट टाइप का होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वेक्टर स्कूल वाटर टैंक कम मजबूत है और कम टिकाऊ है, यह भी अच्छा टैंक होता है। अगला पैरामीटर में अगर बात करें दोनों को टिकाऊपन पे, तो वेक्टर स्कूल वाटर टैंक और प्लास्टो गोल्ड 6 लेयर वाटर टैंक दोनों ही अच्छा टिकाऊ है, सेम टाइम तक टिकेगा। अब देखते हैं वेक्टर स्कूल वाटर टैंक और प्लास्टो गोल्ड 6 लेयर वाटर टैंक दोनों में कौन कौन सा स्पेसिफिक फीचर्स आपको मिलेगा। तो सबसे पहले प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड वाटर टैंक के स्पेसिफिक फीचर्स को देखते हैं। तो प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड वाटर टैंक 100% फूड ग्रेड और वर्जिन प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ टैंक है। इसमें हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग और इसके आउटर लेयर में यूवी स्टेबलाइजेशन कोटिंग डाला जाता है, जिसकी वजह से कंपनी यह दावा करती है बाहरी वातावरण की तुलना में प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड टैंक के अंदर का पानी ठंडा रहेगा। वहीं वेक्टर स्कूल वाटर टैंक के स्पेसिफिक फीचर को देखें तो वेक्टर स्कूल वाटर टैंक ROHS सर्टिफाइड एंड माइक्रोबैन सर्टिफाइड होता है। वेक्टर स्कूल वाटर टैंक भी 100% फूड ग्रेड और वर्जिन प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ रोटो टैंक है। वेक्टर स्कूल वाटर टैंक के आउटर लेयर में टैंक को स्ट्रेंथ देने के लिए टाइटेनियम लोडेड कोटिंग डाला जाता है। वेक्टर स्कूल वाटर टैंक को वेक्टर कंपनी स्पेशली पानी को ठंडा रखने के लिए ही डिजाइन किया है। इस टैंक के मिडिल लेयर में फोम का लेयर डाला जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं फोम टेम्परेचर रेजिस्टेंस वाला मटेरियल है। इसी फोम कोटिंग के कारण ही वेक्टर्स कंपनी यह दावा करती है कि बाहरी वातावरण की तुलना में कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस तक वेक्टर स्कूल टैंक के अंदर का पानी ठंडा रहेगा। अब हम दोनों ही कंपनियों के दोनों टैंक के सर्विस के बारे में देखते हैं। दोनों ही कंपनी का सर्विस यानी कि वेक्टर स्कूल वाटर टैंक और प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड वाटर टैंक दोनों में ही आपको सेम टाइप का सर्विस, जैसे कि टैंक रिप्लेसमेंट, टैंक की गारंटी वारंटी कवर करना, इस टाइप का सर्विस दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा। बट मैंने अपने एरिया में, मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां ये ऑब्जर्व किया है कि प्लास्टो कंपनी अपने 6 लेयर गोल्ड वाटर टैंक में 10 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रही है और उसके ढक्कन में भी 5 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रही है। और अगर प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड टैंक में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है 10 ईयर्स के अंदर में, तो यह इजिली रिप्लेसमेंट भी हो जाता है, यानी इसके जितने भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है वह आसानी से इसको रिप्लेस कर देते हैं। इस टाइप का सर्विस मुझे वेक्टर स्कूल वाटर टैंक में देखने को नहीं मिला है अपने एरिया में। मैं सर्विस को लेके दोनों ही कंपनियों में से प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड वाटर टैंक की सर्विस को 5 में से 5 रेटिंग दूंगा, और प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड की सर्विस मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगता है अपने एरिया का। अब दोनों टैंक का प्राइस गैप देखते हैं, दोनों टैंक में कितने का प्राइस का डिफरेंस है। प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड वाटर टैंक ब्लो टैंक होने के कारण थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, 5 से 6 रुपए प्रति लीटर में आपको आसानी से मिल सकता है। वहीं वेक्टर स्कूल वाटर टैंक रोटो टैंक होने के कारण थोड़ा सा महंगा हो जाता है और 7 से 8 रुपए प्रति लीटर तक में यह मिलता है। रेट वेरी करेगा कि आप कौन से लोकेशन पे हैं। अब बात करते हैं कि हमें अपने घर के लिए दोनों में से किस टैंक को खरीदना चाहिए, प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड टैंक को खरीदना चाहिए या फिर वेक्टर स्कूल टैंक को खरीदना चाहिए, क्योंकि दोनों ही प्लास्टिक का टैंक है और दोनों में सेम फीचर है। तो अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें किस टैंक को खरीदना चाहिए। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों ही प्लास्टिक का टैंक है और दोनों में सेम फीचर है। और ये दोस्तों प्लास्टो 6 लेयर गोल्ड
कम रेट का टैंक है और इसकी सर्विस भी काफी अच्छी है, तो इसीलिए मैं प्लास्टो सिक्स लेयर गोल्ड टैंक को सजेस्ट करूंगा वेक्टर स्कूल के बजाय। कम रेट में सेम फीचर्स वाला अच्छा टैंक अगर मुझे प्लास्टो टैंक में मिल रहा है, भले ही वह ब्लो मोल्ड है लेकिन उसका रेट कम है और उसका सर्विस भी अच्छा है और सेम फीचर्स है, तो मैं प्लास्टो सिक्स लेयर गोल्ड में ही जाऊंगा। अगर प्लास्टो सिक्स लेयर गोल्ड और वेक्टर स्कूल वाटर टैंक दोनों में से किसी एक टैंक को लेना हो तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप प्लास्टो सिक्स लेयर गोल्ड वाटर टैंक में जाएं, क्योंकि प्लास्टो सिक्स लेयर गोल्ड में सिक्स लेयर है और वेक्टर स्कूल में फोर लेयर है और प्लास्टो सिक्स लेयर गोल्ड का रेट भी इससे कम है, तो आप प्लास्टो सिक्स लेयर गोल्ड में जा सकते हैं, बाकी चॉइस आपके ऊपर है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।